हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हेल्थ लवर में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सफ़ेद बालों की। जी हाँ दोस्तों, आजकल की लाइफस्टाइल में उम्र से बहुत पहले ही सफ़ेद बाल आने लगते हैं। सफ़ेद बाल आने के काफ़ी रीज़न्स हो सकते हैं। उसमें से मेन रीज़न होता है आपकी बढ़ती उम्र, उसके अलावा हमारा रोज़ का जो खाना पीना होता है और आसपास को जो एनवायरनमेंट होता है उसका हमारे बालों पर, हमारे स्किन पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि यदि उम्र से पहले आपके बाल भी सफ़ेद हो रहे हैं तो उसके लिए आप घर पे ऐसा क्या इलाज कर सकते हैं जिससे आपके जो सफ़ेद बाल हैं वो बढ़ना बंद हो जाएं, साथ ही आपके जो सफ़ेद बाल हैं वो आपके काले हो जाएं और वो भी नेचुरल तरीके से। जी हाँ दोस्तों, देरी ना करते हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो और आपको बताते हैं कि इसके लिए आपको नारियल के तेल के साथ ऐसा क्या इस्तेमाल करना है। इसके लिए सबसे पहली चीज़ जो आपको इस्तेमाल करनी है वो है कोकोनट ऑयल। तो यहाँ पर हमने 2 स्पून कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल किया है। दोस्तों, अगर आपके बाल लंबे हैं तो आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं और अपने बालों के हिसाब से आप इसकी क्वांटिटी ले सकते हैं। यहाँ पर हमने 2 चम्मच कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल किया है। दोस्तों, कोकोनट ऑयल जो होता है वो बालों को काला करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। फिर इसके बाद दूसरी चीज़ जो हमें इसमें ऐड करनी है वो है नींबू। जी हाँ दोस्तों, नींबू भी हम यहाँ पर 2 स्पून ले रहे हैं। 2 चम्मच हमने नींबू लिया है। नींबू में दोस्तों विटामिन सी बहुत ही ज़्यादा होता है और जब हम कोकोनट ऑयल में मिक्स करके नींबू को लगाते हैं तो वो बालों की जड़ों में आसानी से पहुंच जाता है और हमारे बालों को काला करने की जो ग्रोथ होती है उसे अच्छा कर देता है। तो अब इन दोनों चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसका एक सॉल्यूशन रेडी कर लेना है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने देख सकते हैं आप, हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और हमारे जो ये ऑयल है ये बिल्कुल तैयार है। अब हम आपको बताते हैं कि आपको इसका इस्तेमाल कैसे करना है। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है कि आपको अपने बालों को अच्छे से सुलझा लेना है। आपने जब अच्छे से अपने बालों को कॉम कर लिया है, सुलझा लिया है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, इस ऑयल को लेकर बालों की जड़ों में अच्छे से आपको मसाज करनी है। जी हाँ दोस्तों, आप लगभग 15 से 20 मिनट तक अच्छे से अपने बालों की जड़ों में ऑयल को लगाकर इससे मसाज कीजिए ताकि इसके जितने भी जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपके बालों की जड़ों तक पहुंच सके और वहां पे आपके बालों को जड़ से नरिश कर सकें और उन्हें मजबूत बना सकें और काला बना सकें। दोस्तों, आपको अच्छे से पूरे बालों में इसको अप्लाई कर लेना है। फिर आप जैसे भी अपने सिर पे हेड मसाज करते हैं ऑयल लगाने के बाद, वैसे ही आपको इससे मसाज करनी है। लगभग 1 से 1.5 घंटे के तक आपको इसे ऐसे ही लगा रहने देना है और इसे बालों में छोड़ देना है। आपने बालों को टाई कर लीजिए, 1-1.5 घंटा इसे आप रहने दीजिए बालों में। उसके बाद आपको क्या करना है, 1-1.5 घंटा होने के बाद आप किसी भी अच्छे हर्बल शैम्पू से, जो भी आपके बालों को सूट करता हो, उससे आपको अपने बालों को अच्छे से वॉश कर लेना है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके जो सफ़ेद बाल हैं वो बहुत जल्दी काले हो जाएं तो आप इस रेमेडी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रेमेडी है और ये बहुत अच्छे से अपना असर दिखाती है। आई होप आपको ये ज़बरदस्त रेमेडी पसंद आई होगी। लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन पर ताकि आप हमारी कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।